हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि जानते हैं कि वीबीए पर वीडियोस आ रही हैं, तो आज की ये वीडियो वीबीए के ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर वीबीए में हम किस प्रकार से डिवाइड करने के लिए कोड लिखेंगे, आइए दिखाता हूँ। एक बटन बनाएंगे जो कि डिवाइड करके आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना है, और ये हमारे पास एक्सेस है, इसको देख सकते हैं आप। इस पर क्लिक करिएगा, क्लिक करते ही ये ओपन होने लगेगा, और ओपन होते ही हमें ब्लैंक डाटाबेस ले लेना है, ठीक है। अब ब्लैंक डाटाबेस का आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, सिनेरियो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आप नाम यहाँ पे चाहे तो चेंज कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैं डेटाबेस 269 दिया हुआ है, यही रहने देता हूँ। और ये तो डेटाबेस यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फाइल के एक्सटेंशन है .accdb, जिसे आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पे क्रिएट पे करता हूँ क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, क्योंकि हम एक फॉर्म बनाएंगे, तो यहाँ से क्रिएट पे जाके और देन फॉर्म डिजाइन पे चलेंगे, ठीक है। और डिजाइन ही बनाएंगे हम, और अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है सीधा फॉर्म डिजाइन पर। और फॉर्म डिजाइन पे जाकर के ये आपको दिखेगा टेक्स्ट बॉक्स, तो एक टेक्स्ट बॉक्स हम ले लेते हैं, ये पहला टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा इधर की तरफ ड्रैग करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, या फिर आप यहीं पर इसी को राइट क्लिक करके कॉपी करिए देन पेस्ट करिए, तो ये दूसरा भी आ ही जाएगा, तो फिर तो इसी से काम चल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे रख लिया आपने, आप चाहे तो इसे स्टैक्ड कर सकते हैं, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करिएगा, तो ये इस तरीके का विंडो एक ओपन होता है। इसमें आपको क्या करना है, लेआउट पे जाकर के इसे स्टैक्ड कर देना है, ताकि जब हम इसे मूव कराएं तो दोनों एक साथ मूव हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट वैल्यू, जैसे कि हर बार मैं देता हूं, तो यहां पर मैं फर्स्ट वैल्यू नाम दे देता हूं, FIRST फर्स्ट वैल्यू, ये कर दिया फर्स्ट वैल्यू, और इसे कर देंगे सेकेंड वैल्यू, ठीक है। इसे क्या करेंगे, सेकेंड वैल्यू, तो यहाँ पे SECOND सेकेंड वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक को फर्स्ट वैल्यू, दूसरे को सेकंड वैल्यू नाम दे दिया है। तो हम एक लेबल बना लेते हैं, तो ये देखिए ये एक लेबल है, यहाँ पर क्लिक करके और इसको मैं ड्रैग करवाता हूँ, ये ड्रैग करवाया हमने, और जैसे ड्रैग करवाएंगे ना तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अब इसे इस पर कुछ आप नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि जो है मैं जो नाम दे रहा हूँ यहाँ पर वही नाम आपको देना है। देता हूँ माई आंसर, जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने किया था, बिल्कुल वैसे ही मैंने कर दिया, यहाँ पे माई आंसर लिख दिया। तो ये अभी अब ये ब्लैंक हो गया है, देख सकते हैं। अब हम चलेंगे बटन बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये बटन दिया गया है, तो इस बटन पे क्लिक करके यहाँ पर जो है इसे ड्रैग करेंगे, और अब ड्रैग करने के बाद ये इस तरीके से ऊपर होगा, तो इसे कैंसिल कर देता हूँ। और कैंसिल करने के बाद क्या करेंगे, कैंसिल करने के बाद यहाँ पर जो है ये देखिए यहाँ पर जो नेम दिया गया है, इस नेम में आकर के इसे मैं कर देता हूँ CMD, यहाँ लिखता हूँ CMD, और यहाँ पर चूंकि ये डिवाइड है तो यहाँ पर लिख देता हूँ DIVIDE डिवाइड, तो CMD डिवाइड कर दिया मैंने, इसका नाम क्या कर दिया, CMD डिवाइड। और एक काम और करेंगे, यहाँ पे जो कमांड 9 यहाँ पे आ रहा है ना, इसको भी हटाएंगे, और यहाँ पर हम डिवाइड का एक साइन लगा देते हैं, ये डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दिया, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं डिवाइड का साइन आ रहा है। अब चाहे तो इसका कलर भी बदल सकते हैं, यहाँ से जाकर के ये देखिए यहाँ पर जाएंगे ना तो ये कलर मिलेगा आपको, तो यहाँ से आप चाहे तो कलर बदल सकते हैं, तो जो भी कलर आप लगाना चाहें, इस पर अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी साइज को भी बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से जाकर के इसकी साइज आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ये कर दिया हमने इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी आपको डिवाइड का साइन दिखने लगा है, ठीक है ना। एक बटन हमें बनाना है, वो किस चीज का होगा, वो इक्वल टू का होगा, तो इसके लिए कॉपी करके इसको मैं पेस्ट करूंगा, सेम चीज यहाँ पे पेस्ट किया तो ये यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, और अब इसको मैं हटाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू, यानी अब ये बराबर का बटन है, यानी कि आप डिवाइड करेंगे तो इस पे आएगा, और अगर उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इक्वल टू पे जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आकर के थोड़ा सा इसमें भी चेंजेस करना होगा, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे CMD इक्वल टू लिख देता हूँ, इक्वल टू, ठीक है, हर बार की तरह यहाँ पर भी इक्वल टू हमें लिख दे रहा है, इस तरीके से लिख दिया इक्वल टू, तो अब ये काम हो गया है, ठीक है। अब एक काम कर रहा है हमें, अब जबकि हम इस पे जाएंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, लेकिन वही चीज की यहाँ पर आप अल्फाबेट भी एंटर कर पा रहे हैं, आप यहाँ पे आते हैं तो देखिए अल्फाबेट भी एंटर हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसमें अल्फाबेट ना एंटर हो, तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, ये इन दोनों को सेलेक्ट किया इस तरीके से, और सेलेक्ट करके क्या करना है, सेलेक्ट करके हमें वापस जाना है कहाँ, फॉर्मेट पर, और फॉर्मेट पर जाकर के डेसिमल प्लेसेस पे जाना है, और ये हमें हटाना है, ये देखिए ये जो है ना ये हमें हटाना, ये दो कर देना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट आ रहा है, तो फॉर्मेट हमें स्टैंडर्ड रख लेना है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट जनरल भी रख सकते हैं आप, मैंने कई वीडियोज में बताया है, फिलहाल हम स्टैंडर्ड रख रहे हैं। तो अभी जब हम इस पे जाते हैं तो आप देखेंगे
कि यहां पर अगर हम अल्फाबेट एंटर करते हैं तो यहां पर ये अल्फाबेट हमें एंटर नहीं करने देगा, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज नंबर अगर एंटर करते हैं तो हम नंबर एंटर कर पाएंगे, तो देखिए यहां पे नंबर एंटर हो जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी ये बटन काम नहीं करेगा क्योंकि इस पर कोडिंग नहीं करी गई है और भी तमाम चीजें नहीं करी गई हैं इस पे, तो ये अभी काम नहीं करने वाला है। तो बस थोड़ा सा इंतजार और अब हम चलेंगे क्या यहां पर बीबीए की कोडिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं, चलना है कहां हमें, हमें चलना है डिजाइन व्यू पर। तो ये आ गया डिजाइन व्यू पर, और जब भी हम डिवाइड करें ना तो डिवाइड करने पर जो है यहां पर डिवाइड का साइन आए बीच में, इसके लिए हम क्या करते हैं ना यहां पर जाकर के और इवेंट पे जाकर के और फिर यहां से थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और कोड बिल्डर पे चलेंगे। कोड बिल्डर पे जाकर के इस तरीके से ये ओपन होगा। अब जैसे ही ये ओपन होगा तो यहां पर जो है अब आपको क्या करना है, कोडिंग करनी है, छोटी सी कोडिंग। हमने नाम दिया था माई, यहां पे देखिए ये माई आंसर दिया था ना, तो ये देखिए यहां पे आ भी रहा है, तो इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये माई आंसर आ गया, ठीक है। अब यहां पर आगे क्या करना है, देखिए जैसे ही ये लिखते हैं ना तो यहां पे लिखिएगा डॉट कैप्शन, क्या लिखिएगा डॉट कैप्शन, और डॉट कैप्शन लिखने के बाद इज इक्वल टू का निशान लगाइएगा, फिर डबल डॉट कॉमा ओपन करिएगा, फिर यहां पर बीच में डिवाइड का साइन लगा करके डबल डॉट कॉमा को क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको कर देना इस तरीके से, ठीक है। और अब इसको सेव कर दीजिएगा, तो यहां से जाके सेव करिएगा, तो ये फॉर्म वन के नाम से सेव हो रहा है, चलिए फॉर्म वन ही रहने देते हैं, तो ये सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इन दोनों को हमने अभी जो है नाम नहीं दिया है, यहां पर इसका नाम भी हमें चेंज करना होगा, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पे आकर के और यहां से आपको कहां जाना है, इवेंट में जाना है। इवेंट में जाने के पहले हम एक काम करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि इसको नाम दिया है फर्स्ट वैल्यू, तो यहां पर हमें इसका भी नाम फर्स्ट वैल्यू देना पड़ेगा तभी तो ये काम करेगा। तो यहां पर आकर के ये जो टेक्स्ट जीरो दिख रहा है इसको हटाएंगे और यहां कर देंगे FIRST फर्स्ट वैल्यू, इस तरीके से इसको नाम दे दिया फर्स्ट वैल्यू, और इसी तरीके से इसको भी नाम देंगे सेकेंड वैल्यू, जैसे वहां पर दिया था SCOND सेकेंड वैल्यू, तो ये दे दिया सेकेंड वैल्यू और इसको फर्स्ट वैल्यू नाम दे दिया, ठीक है। अब चलते हैं यहां पर और राइट क्लिक कर यहां पर चलते हैं, क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हमें इवेंट पे आना, और इवेंट पे आने के बाद इस पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे, फिर कोड बिल्डर पे जाना है, और जाते ही ये इस तरीके से आ जाएगा। चाहते हैं कि हमारा मैसेज बॉक्स के अंदर जो है, हमारा जो भी रिजल्ट है वो मैसेज बॉक्स के अंदर आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एमएसजी बॉक्स दे देते हैं, एमएसजी बॉक्स, तो ये लिख दिया एमएसजी बॉक्स, और एमएसजी बॉक्स देने के बाद द आंसर इज, द आंसर ANSWER ऐसे करके लिखेंगे, ANSWER द आंसर इज, ये लिख दिया, और डबल डॉट कॉमा को क्लोज करेंगे, यहाँ पे एंड लगाएंगे, और एंड लगाने के बाद फिर क्या करना है, जैसे ही एंड लगाएंगे तो फिर यहाँ पर एक बार गैप दीजिएगा। अब यहां पर हम लिखेंगे मी डॉट फर्स्ट FIRST फर्स्ट वैल्यू, तो देखिए फर्स्ट वैल्यू आ रहा है, अपॉन मी डॉट सेकेंड वैल्यू, सेकेंड SE, देखिए यहां पर सेकेंड वैल्यू भी आ रहा है, तो बस ये कर देना है और ये करके इसको सेव कर देना है। सेव भी हो गया, सेव हो जाने के बाद अब इसको मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज करना है आपको, और अब इस पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा बनकर के तैयार है। इसमें एक काम और करना है हमें, काम क्या करना है कि यहां पे जाकर के इसे डिजाइन के ऊपर लेना है, यहां पे पहले फॉर्म पे क्लिक करेंगे, सीधी बात है, फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और फॉर्म पे क्लिक करके और देन हम यहां पर अदर पे जाएंगे, और यहां से हमें फॉर्म ही चूज रखना है, ये भी ध्यान देना है। तो यहां पर आपको पॉपअप मिलेगा, तो इस पॉपअप को आप यस कर लीजिएगा, और यस करके देन इसको सेव कर लीजिए, और देन आप इस पर क्लिक कीजिए, तो ये इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो अभी हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ डिवाइड आया, और यहाँ पे इक्वल टू करेंगे तो देखिए डिवीजन होके आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, लाइक मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया सपोज कीजिए 45, और इसको 5 से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड किया हमने और इज इक्वल टू करने पे क्या आया, 9 आंसर आया, तो ये डिवीजन भी काम करेगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इंटीजर वैल्यू काम करेगा, इसमें जो डेसिमल प्लेसेस वाली जो चीजें हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको भी ये डिवाइड करके दिखाएगा। तो देखिए डिवाइड कर रहा है और डेसिमल में आंसर भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहले तो मैंने एडिशन सिखाया है, ठीक है, उसको जाके देख सकते हैं, फिर मैंने मल्टीप्लाई सिखाया, फिर डिवाइड सिखाया, तीनों सिखा दिया, फिर अब एक दो वीडियो और है उसको भी डाल देता हूँ, अंडर रूट का भी डालूंगा, ठीक है। तो कल जो है संभवतः अंडर रूट वाली वीडियो आ जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।